पैक इसको पानी में। फैमिली, आपने हमारा लिविंग इन बोर्ड देखा है फॉर 24 आवर्स, ये वाला जो हमने किया था मुंबई में। देखिए वहाँ पर बोर्ड तो अच्छी थी, लेकिन इस बार जो हम करने जा रहे हैं वो कोई सौखा काम नहीं है। क्योंकि अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये है। यार देखो, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इन्होंने कहा यहाँ पे ब्रो अंदर मगरमच्छ भी है। ओए, हमसे बड़ा कोई मगरमच्छ है? पूछो दुनिया वालों से। जब आएगा ना तो तब देखना। तो फिर शुरू करते हैं हमारा लिविंग इन बोर्ड पार्ट 2 फॉर 24 आवर्स। फैमिली, आज का जो हमारा चैलेंज पॉसिबल हो पाया वो बिकॉज ऑफ परमजीत पाजी हो पाया। पाजी, पहले मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि हम तीनों में से कौन सबसे ज्यादा इसमें रह पाएगा? दीक्षा। यस! देखो इसकी शक्ल में मत जाओ, इसकी शक्ल ऐसी है। ओह माय गॉड, हम निकल चुके हैं फैमिली यहाँ से, और आज का पायलट है आपका संजय दत्त। खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। बाय बाय गाइस, वी विल सी यू सून। बाय बाय, थैंक यू। यार डर सा लग रहा है क्योंकि जूडी को ये डंडा ये बस हमारे पास। ओह, कि हमारे जो पायलट है उन्हें अच्छे से चलाना आता है। यार मैं पहले बोट चलाता था पता। इसको चलाते कैसे थोड़ा सा बता दे, इसको कैसे कैसे मारना, कैसे पीछे से लगाओ इसको, पहले पीछे से ऐसे घुमाना है। ओ, तू खुद ही ना नीचे गिर जी। क्या कर रहा है तू? डंडा एक्सचेंज कर रहा हूँ, मेरे ऊपर तू चढ़ रहा है। तो साइड हो यार, निकल। अरे आई एम चेंजिंग द डंडा मैन, निकल। वाओ पाजी की बॉडी बहुत बढ़िया है, उसमें चले। पाजी हमें को नहीं ऐसी बोट मिली क्योंकि वो कंफर्टेबल है। नहीं, वो लकड़ की है और उसमें पानी आ जाता है। ओ, मैं लेकर आया हूँ ब्रेड, ब्रेड जैम। ऑर्डर कर लेंगे ज़ोमैटो वालों को, भैया इधर से पकड़ा दो जरा। ठीक है, मैं अपने साथ लेके आया हूँ फिशिंग रोड। और उन्होंने बोला ये रिवर में बहुत सारी फिश है, पता है हम फिशिंग कर सकते हैं। हवा ज्यादा हो जाए तो यार इसकी हमेशा फुद्दू चीजें क्यों निकलती है? देखो स्पॉन्ज होना चाहिए, जब डूबेगी ना तो मेकअप करके डूबना। अगर मैं डूब गई और मेरे कपड़े गिल्ले हो गए तो आई गॉट माय क्लोथ्स टू। और फैमिली अगर कान में ज्यादा खुजली हो तो मेरे पास कान की टिप्पी है। फैमिली, संजय ने मच्छी पकड़ ली। फैमिली, इट्स अ चारा मैन। ये एक्चुअली मच्छी को धोखा देने के लिए कि पुआ आई है। देखो हम ये भी है मेरे पे, ये भी हम डाल सकते हैं बीच में। यार ये बड़ी, ये साला मगरमच्छ ना पकड़ने में बता रहा हूँ। फैमिली, सबसे पहले आपको मच्छी की बुआ को ऐसे बीच में रस्सी डालेंगे। हाउ डू यू नो इट इज मच्छी की बुआ ओनली, नॉट मासी? और ऐसे बुआ को ऐसे करके जी? इसकी नाइस क्वेश्चन। या चाची। तो फैमिली मेरा मच्छी का रेडी हो गया है, अब मैं करूंगा स्विमिंग, अभी कह रहा हूँ फिशिंग। ओ वो चल रुक लिया तो ऐसे को। फैमिली इधर कोई भी स्नेक भी आ सकते हैं, आप ये सब अपने मतलब ट्राई मत करना। और भैया ने इधर रोक तो लिया है फैमिली, क्योंकि हमारी बोट बहुत स्पीड में जा रही है और आगे बहुत बड़ा वाला रिवर आने वाली, बहुत बड़े लेवल वाली, उस पे नहीं हम जा सकते बिकॉज़ वो रिस्क है। So, अब हम करेंगे मेडिटेशन। पहले हाथ ऐसे रखें। कैसे रखने हैं? हमें दिख नहीं रहे। ऐसे। ये ऐसे करना है। ऐसे। और दूसरा हाथ यहाँ पर। और फिर हाय हुक्कु हाय हुक्कु हाय 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 हुक्कु हाय। फैमिली, अब हम एक और गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है ग्रैंग ग्रैंग। फैमिली पीसी, ये
पंजाबी में हम लोग ना बचपन से खेलते आ रहे हैं। इट्स बेसिकली कि हम लोगों को ना ऐसे नंबर्स लेने हैं, जैसे मैंने लिया 5 और डूडी आपने कौन सा लिया? 15। मैंने लिया 10। ठीक है, तो फैमिली हम लोग सभी ऐसे रखेंगे, ये 5 हो गया, तो अगर मैंने दोनों साथ में कर दिया ये सारे हो गए 30 हो गए। जैसे जिसका भी टर्न आएगी ना भाई, 10 हुआ तो अगर संजय की टर्न आएगी तो संजय का थप्पड़ खाना। ग्रैंग ग्रैंग अप मार नहीं मार रहा मार चल गई क्विक होगा ग्रैंड ग्रैंड ये चीटिंग कर रहे साले। फैमिली थोड़ी सी ठंड हो गई है। थोड़ी थोड़ी बहुत ज्यादा हो गई है यार। ठंड तो हो गया, तो अभी हम रात का इंतजाम ये करें कि अब हम लगाने जा रहे हैं टेंट। जी हाँ, टेंट में बहुत ही कंजस्टेड सा टेंट लगेगा बट लग जाएगा। इस तरीके से हमारा टेंट तैयार हो चुका है, अब हमें सिर्फ जो गुजारने हैं रात वो अंदर गुजारेंगे क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। सो विल सी यू इनसाइड, कम ऑन। हेलो गाइस, हाउ आर यू फीलिंग? यार मजा आ रहा है यार एकदम। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अंदर थोड़ी हीट लग रही है, ठंड नहीं लग रही है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी फैमिली, अंदर एकदम गर्म। मैं नहीं गया पता अंदर, पहली बार टेंट अच्छा लग रहा है मुझे कि यार मैं फैमिली ये सोच रहा हूँ कि बहुत कमाल की बात है कि जितनी बोट है उतना ही टेंट है। Yes. This is so amazing. Perfect fit हुआ है पता है बोट पे अपने। और ये जब चीजें परफेक्ट होती है ना तो ये ऐसा लगता है कि ये भगवान ही ये चीज करवा रहा है। Yes, एकदम। कैसा रहा सुसु बोतल में करके? Family attend number one has been failed because it's so cold outside. It like you know. When I tried, I opened my zip and it just freezed. Everything just froze. एक साइड पे बैठो है। ओए एक एक साइड। भाई यार बोट है घर नहीं। भाई रात सारा बैलेंस ही करते रह जाएंगे क्या? I swear to God ऐसे ही करना पड़ेगा डूडी। रात को सोना भी ऐसे ही है। रात बाकी है फैमिली। आपको बाहर के शॉट दिखाते हैं। ये देखिए। क्या देख रहे हैं? अंधेरा है, क्या दिख रहे हैं आपको? दिखता ही नहीं है। You can have this. ये जनाब जी अपना घर समझ के बैठ गए हैं, मतलब इनको लगता है कि ये घर पे ही है ना, अपने रूम में सो रहा है। पर कोई मतलब इसको कोई बताओ यार, ये घर पे नहीं है, बोट पे है भाई। सबसे डिफिकल्ट बात ये हो रही है इस पूरे चैलेंज में कि एक तो हम लोग तो अंदर हैं ही हैं, हम लोगों को ठंड नहीं इतनी लग रही है, ठंड जीरो लग रही है, मैं आपके मुंह पे बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी टीम है वो बाहर सो रही है, इतनी ठंड में नहीं हमने उसको सुलाया है, वो उन्होंने अपना भी पूरा प्रॉपर शेड बना दिया है कि मतलब उन्होंने प्रॉपरली अपने अंदर से यू नो कवर कर लिया है चारों तरफ से और अपने यू नो चारपाई लगा के उसके ऊपर प्रॉपर रजाई एंड ऑल उन्होंने रख ली है। सो फैमिली आप देख सकते हो वो भैया है, उन्होंने सुसु कर लिया है बोतल में। ये तो बाहर रखो सुसु वाली बोतल। भैया आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। सो फैमिली हमारे पास कुछ करने के लिए कुछ है नहीं, रात के बज गए 1 और हम इतने बोर हो रहे थे और इंताक्षरी से याद आया फैमिली ढूंढने चेस्ट भी बड़ा गंदा पद मारा है। फैमिली संजय ने मारा है, पार्ट मारा है, पद मारा नीचे मच्छियां सोई हुई थी वो भी हिल गई। ये भूकंप आ रहा है। शाम 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 तेरा म म Mom, it's my drive. It's my power. If you're still hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. It's about drive. It's about power. We stay hungry, we devour.
ये कौन सा गाना है? अरे रोकने गया हार कौन सा बड़ो से कौन सा गाना आता है? डूबा डूबा रहता हूँ यादों में तेरी सुन बेखबर सुन बेखबर। आपसे तो हमने जुड़ी सुर भी सोचे थे, आप तो सिंगर होके बगारे सुन बेखबर, इससे अच्छा तो मैं गाई। गुड मॉर्निंग फैमिली, क्या ही गुड मॉर्निंग बोलू, इतनी ज्यादा ठंड है और ऊपर से पूरी रात पूरी बैक पेन हो रही है और संजय ने इतना इरिटेट किया हुआ है ना, मतलब अभी चुप किया है घराटे मारी जा रहा है ये बंदे ने, नहीं सोने दिया यार। देखो ना रूडी कैसे लेटा हुआ अपना घर समझ के, ये भूल गया कि भाई दिस इज बोट, लाइक दिस इज लेजिटिमेटली बोट। मुझे तक नहीं इस बंदे ने सारी रात सोने दिया, कभी खर्राटे, मेरे अंदर तो सिर्फ एक ही चीज का डर लगता रहा कि साला डैम से पानी ना छोड़ दे। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, मैं भी उठ गया हूँ। वाव, तालियां होनी चाहिए, सॉरी गालियां होनी चाहिए। तो पता है मैं पूरा सोया नहीं हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा था उठ के। जरा आप फिर से लगाना थोड़े से संजय के स्नोरिंग करते हुए के शॉट। इरिटेट हो गया, अब हम खाएंगे थोड़ा सा नाश्ता जो खुद ही बनाया है हमने, थोड़ा सा चकर पकर बनाया है। क्या बनाया है? इंग्लिश ब्रेकफास्ट। हाँ हाँ हाँ, ठंडे ठंडे दूध में जब मूसली पड़ जाए तो बात बन जाए। मुझे पता क्या लग रहा था कि हम क्या होगा हमेशा, मुझे लगा था कहीं यू नो व्हाट इफ रस्सी टूट ना जाए। वो तो ठीक है मुझे, पर एक चीज समझाओ, वो ऐसे पानी नहीं छोड़ सकते। हाँ इसमें मैप दिखाया, ये देखो ये है मैप, हम इस वक्त यहाँ पर हैं। कचरा कचरा आ गया, उठाओ। वो नहीं, पैटियां हैं, पैटियां हैं। ये हमारा ही कचरा। ये हमारा कचरा। फैमिली इसलिए आप भी जहां पर भी जाए, जहां पर भी कचरा दिखे आपको समुंदर में, प्लीज उसके उठाकर अपने पास रख ले। ये होती है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक ऐसी प्रकार की। एक सेकंड रुको यार, ये सब सबको बता, इतने नॉलेज की दे रहे, बस फैमिली कहां कहीं कचरा दिखे तो उठा लेना बस। यस यस, बाकी यू गाइस कीप द सी क्लीन, कीप द सी ग्रीन। आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ ही मिनट बाकी है हमारे में, एनर्जी बिल्कुल नहीं कम हुई है क्योंकि घर जाने की खुशी और उसके बाद हगने की खुशी का मजा कुछ और। यार कुछ करके यार क्विट करो डूडी, ऐसे ना करो यार। यार देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं कोई चैलेंज जीतना है और आई एम नॉट क्विटिंग। मेरे पे पैसे लगे यार सबके, कुछ ही मिनट ही रह गए चैलेंज को खत्म होने के लिए ब्रो। I guess हमें वो hardest challenge करना ही पड़ेगा। Yes, we have no other choice but to do that. But वो यहाँ पर कैसे करेंगे? It is very difficult, यार। I know. 40 रुपए का सोच रहे हो? हमारे पास एक हथियार है क्योंकि कोई भी हार नहीं मान रहा है। Yes. अब लगता है उस हथियार का यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ समुंदर में उसको करना, उस टास्क को करना बहुत डिफिकल्ट है। आप भी घर पे मत कीजिएगा। फैमिली आपको पता नहीं है, इट इज वेरी डेंजरस। हमने हर एक से परमिशन लिए करने के लिए, बिकॉज़ इट्स सो डेंजरस इन द सी, बिकॉज़ बहुत ज्यादा यू नो है, वेरी डेंजरस। देयर इज नथिंग एल्स गाइस, कम ऑन, लेट्स डू इट। जीतने के लिए करना ही पड़ेगा यार। Rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. कुछ नहीं करना है आपको, कमेंट करके लिखना है किसका ज्यादा सबसे अच्छा बढ़िया सर्वाइवल था। आप कमेंट करके लिखो कौन जीता है चैलेंज। साले तेरा ही आइडिया था रॉक पेपर सीजर का। तो भी आप तो भी कमेंट करके लिखे कि कौन जीता है चैलेंज। एवरीवन उस आई वन यार, बैक दुख गई फैमिली यार, मैं जीता हूं यार, बैक दुख रही है मेरी, गर्दन भी नहीं यार, मैं सही से लेट पाई हूं जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू बोथ। फेंक इसको, फेंक इसको पानी में। Oh!
क्या निकला गोभी का फूल। आए किथे चली है गोभी का फूल बनके, गोभी का फूल बनके। यस, क्या फील हो रहा है? जमीन हिल रही है क्या कि मैं ही हिल रहा हूँ? सीधे स्ट्रेट चल के दिखाए, पीछे चल के दिखाओ। मैं तो नॉर्मल ही, येलो आओ चलते हैं।